जी, तो आज का जो टॉपिक है वो आप यूं ही कह लीजिए कि इसकी बहुत सी चीजें हमें ऑलरेडी नहीं पता, बल्कि ऑलमोस्ट कुछ भी हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। एंड बिलीव मी, कुछ चीजें तो ऐसी हैं अबाउट विच वी आर टोटली ब्लैंक। तो इस हवाले से जो है वो थोड़ी सी गुफ्तगू हमने करनी होगी। सबसे पहली बात जो आज के लेक्चर के हवाले से मैं आपको बता दूं कि आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूं। आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू द प्रॉपर कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिंडल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कोई भी, चाहे वो मियोसिस हो चाहे वो माइटोसिस हो, जो स्पिंडल है उसकी फॉर्मेशन जो है वो अब हम यहाँ पर एक्चुअली पढ़ेंगे। और मैंने आपको जैसे पहले भी अर्ज की थी कि मैं आप लोगों को, वालेकुम अस्सलाम, मैं आप लोगों को जो है वो नहीं पढ़ाऊंगा। जो पार्ट्स हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, वो जो स्टेजेस हैं वो नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि उसमें जो असल चीजें हैं जो हम अपने कॉन्सेप्ट के हर लेवल पर मिस करते हैं वो पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहली बात ये है कि हमारे आज का जो टॉपिक है वो स्पिंडल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, कि स्पिंडल क्या चीज है। सबसे पहले तो एक बात ध्यान में रखिए कि स्पिंडल असल में कोई भी यूनिक चीज नहीं है। स्पिंडल का वर्ड कोई यूनिक वर्ड नहीं है। स्पिंडल एक शेप का नाम है कि जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि जैसे कॉन्वेक्स मिरर होता है, दरमियान में से थिक और साइड से थिन, तो ऐसी शेप को आप जो है वो स्पिंडल कहते हैं। जैसे हमारी आईज की शेप है, जैसे हमारे स्मूथ मसल्स की शेप है, इसको आप स्पिंडल शेप कहते हैं। स्पिंडल अपने आप में सेल डिवीजन तक मखसूस नहीं है, कहीं भी बन सकता है, कहीं भी स्पिंडल हो सकता है। तो फिर हम यहाँ पर जो है वो, ये कौन सा स्पिंडल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये हम एम फेज के स्पिंडल की बात कर रहे हैं, वेदर इट इज मियोसिस और माइटोसिस। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि एम फेज का जो स्पिंडल है उसमें हमारे सेल का एक स्ट्रक्चर है जिसको आप सेंट्रोसोम कहते हैं, उसका बहुत ही बेसिक रोल होता है। और सेंट्रोसोम असल में वो रीजन है जिसको कुछ अर्सा पहले मैंने एक नाम दिया था, MTOC यानी माइक्रो ट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। इन तीनों, इन चारों अल्फाबेट्स के अलग अलग जो हैं वो एब्रीविएशंस हैं, और इस हवाले से हमारी थोड़ी सी गुफ्तगू पहले हो चुकी है। ये माइक्रो ट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर असल में जो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बने हुए माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं, ट्यूब्यूलिन मेड माइक्रो ट्यूब्यूल्स, इन ट्यूब्यूलिन मेड माइक्रो ट्यूब्यूल्स को अरेंज करने के काम आता है MTOC। और याद रखिए कि ये MTOC, अगर सेंट्रोसोम सिर्फ आपको एनिमल्स में मिलता है तो ये बात भी जहन में रखनी है आपने कि ये जो MTOC है ये आपको एनिमल्स में, ये आपको प्लांट्स में, ये आपको फंजाई में, या ये आपको जो है वो प्रोटिस्ट, किसी की भी बात कर लें आप, ये आपको सब में मिलेगा। क्यों? ये ऑल यूकेरियोट्स में पाया जाता है। याद रखिए, माइक्रो ट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर का मतलब ही ये है कि इसने आपके सेल डिवीजन के दौरान माइक्रो ट्यूब्यूल्स को एक प्रॉपर शेप देनी है, प्रॉपर पोजीशन पर पहुंचाना है। और ये बात भी आपकी इसी बुक में भी मेंशन है, और ये मैं आपसे पहले भी कर चुका हूं कि अगर आपकी सेल में MTOC रहने दें लेकिन सेंट्रियोल तबाह कर दें, तब भी आपका सेल माइटोसिस भी करेगा, मियोसिस भी करेगा। सेंट्रियोल सिर्फ एक रेडीमेड क्लस्टर है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, इससे ज्यादा सेंट्रियोल कुछ नहीं है। कहने से मुराद क्या है कि अगर आपके सेल में सेंट्रियोल नहीं भी होगा, तब भी जब तक MTOC होगा तब तक स्पिंडल बनेगा। नहीं, स्पिंडल के हवाले से आप लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन है उसको शेयर कर लेते हैं। आप लोगों के पास ऑलरेडी ये इंफॉर्मेशन है कि स्पिंडल जो है वो तीन तरह के माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है। एक्चुअली स्पिंडल को बनाने के लिए आपके पास तीन माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। सबसे पहला माइक्रोट्यूब्यूल होता है एस्टर, ठीक है, ये एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल। दूसरा होता है जिसको आप कहते हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल, और तीसरा होता है जिसको हमारी बुक्स में एक बड़ा अजीब सा नाम दिया गया है लेकिन यहां पर एक बड़ा प्रॉपर नेम दिया गया है, वो है नॉन काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल या नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स। याद रखिए, स्पिंडल फाइबर और माइक्रोट्यूब्यूल्स में कोई फर्क नहीं है। जब एक दफा सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है तो स्पिंडल फाइबर और माइक्रोट्यूब्यूल एक ही बात होती है। आप उसको नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कह लें, नॉन काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स कह लें, एक ही बात होती है। बाकियों के लिए भी यही मामला।
तो इसको वैसे आपकी जो पुरानी बुक्स है उसमें क्या लिखा हुआ है, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल या पोलर स्पिंडल फाइबर लिखा हुआ है। एक्चुअली ये नॉन काइनेटोकोर है, यानी वो जो के काइनेटोकोर रीजन से ना मिल पाए। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर को काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर क्यों कहते हैं ये भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने जाकर जोड़ना होता है सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर रीजन से। तो फिर चले एक आपकी तरफ से ही, आपको ही जो है वो एक मैं चांस देता हूं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल, इट्स पर्पस, इसका पर्पस क्या है जी? जी बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है, बट ये बात आपने पहले मेरे से सुनी है या कहीं और से सुनी है? जी बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा बुक्स में नहीं लिखी हुई, और जो है वो ये आपकी 100% दुरुस्त बात है कि ये जो तीन तरह के माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, एक्चुअली यहाँ पर इस वक्त आपके आपके जो है सेंट्रियोल वो यहाँ पहुंच चुके हैं, दोनों सेंट्रियोल यहाँ पर हैं, ठीक है। इससे जो एक ये एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल रहे हैं, इनका पर्पस डिस्कस करके हम आगे चलेंगे। इनका पर्पस बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैचमेंट है, यानी आप यूं कह लीजिए कि ये एक सहारा है किसके लिए, सेंट्रियोल के लिए। इनके अब आपने बहुत गौर से सुनना है, ये जो एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल है इसके दो पर्पज मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूं। नंबर वन, ये एक अटैचमेंट साइट है जो सपोर्ट है ताकि जो क्रोमोसोम है उनको पीछे खींचा जा सके, टू पुल द क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्रोमोसोम्स को पीछे खींचा जा सके और क्रोमोसोम को पीछे खींचकर पोल्स पर लाया जा सके। एक तो इनका पर्पज ये है। दूसरा सुनिएगा, इसका पर्पज बड़ा ही जबरदस्त है, इट मूव्स अवे फ्रॉम द सेंटर। ये जो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं ये सेंटर से अवे मूव करवाते हैं, यानी आप यूं ही कह लीजिए कि अगर ये यहां पर हैं तो ये ऐसे को मूव करेंगे, पीछे की तरफ मूव करेंगे। और आप ये बात अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि जब एक दफा ये पीछे को मूव करना शुरू कर देंगे, इधर वाले एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल या इधर वाला एस्टर जो है वो लेफ्ट को मूव करना शुरू कर देगा और राइट वाला एस्टर जो है वो राइट को मूव करना शुरू कर देगा। तो ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगला काम क्या होगा, अगला काम होगा साइटोकाइनेसिस, यानी साइटोकाइनेसिस के टाइम पर ये ग्रो होंगे और एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करेंगे ताकि जो साइटोकाइनेसिस है वो प्रॉपरली हो सके और सेल दरमियान में से डिवाइड हो जाए। ये है बेसिकली एस्टर का पर्पस, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स का पर्पस। आगे आ जाइए, नेक्स्ट गुफ्तगू करते हैं हम काइनेटोकोर के हवाले से। काइनेटोकोर जो है वो क्या चीज है और काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं। सबसे पहले तो बेटा याद रखिए कि हमारा जो एक ये क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम्स के हवाले से पहले मैं आपको बहुत कुछ बता चुका हूं, लेकिन अब एक दो बातें जो है यहां पर इसके हवाले से ये सुन लीजिएगा कि क्रोमोसोम जब एस फेज से गुजरता है तो क्रोमोसोम के ऊपर उस टाइम पे दो अदद सेंट्रोमेरिक डीएनए होते हैं और ये जो दोनों क्रोमेटिड्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ बाकायदा जुड़े हुए होते हैं। सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखिएगा बेटा कि क्रोमोसोम का ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को आप कहते हैं सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट डीएनए। और इसको सैटेलाइट डीएनए क्यों कहा जाता है ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन उसके अलावा ये जो रीजन होता है इस रीजन के डीएनए को आप कहते हैं टेंडम रिपीट्स, टेंडम रिपीट्स। इसकी इसके भी बारे में एक और बात बताता हूं कि टेंडम रिपीट असल में आपके डीएनए का वो पार्ट होता है जिसको आप कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। ये हेट्रोक्रोमेटिन का पार्ट है, हेट्रोक्रोमेटिन के मजीद पार्ट्स भी हैं लेकिन उनमें से एक टेंडम रिपीट है। जी बच्चे, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन का डिफरेंस जल्दी से। और यूक्रोमेटिन, चलिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट देता हूं हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन का। हमारे डीएनए में कुछ डीएनए का, कुछ क्रोमेटिन का, पूरे जो भी क्रोमेटिन मटेरियल है उसका कुछ हिस्सा होता है जिसको फॉरेन एक्सेस की जरूरत होती है। असल में इसको कॉन्सेप्ट को डिजाइन किया करें, ये बात तो ठीक है कि जो ट्रांसलेशन के लिए ओपन होता है, कॉन्सेप्ट डिजाइन क्या है कि हमारे सेल में कुछ ऐसे रीजन होते हैं हमारे डीएनए में जिनको किसी पर्टिकुलर सेल में प्रोटीन की, सॉरी हाँ, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए एक्सेस की जरूरत होती है।
उस डीएनए को हमेशा ओपन रखा जाता है, ले और वो वाला डीएनए जो है वो आपको माइक्रोस्कोप के नीचे लेस कंडेंस नजर आता है, लिहाजा आप उसको कह देते हैं यूक्रोमेटिन। और जो दूसरे सेल्स होते हैं उनमें वही, जैसे फॉर एग्जांपल ये मिसाल के जरिए समझते हैं, आपके पास बीटा सेल है पेंक्रियाज के, उसमें आपका इंसुलिन जीन जो है वो यूक्रोमेटिन का हिस्सा होगा, लेकिन आपके आईज के सेल में आपका बीटे आपके जो सेल हैं उसका इंसुलिन जीन हेट्रोक्रोमेटिन का हिस्सा होगा। सारा वो डीएनए जिसकी या तो कोडिंग होनी ही नहीं है, या होनी भी है तो जिस सेल में आप स्टडी कर रहे हैं वो कोडिंग उस सेल से रिलेटेड नहीं है, वो सारा डीएनए बंद रखा जाएगा। और जब वो सारा डीएनए बंद रखा जाएगा तो उसको कलेक्टिवली आप क्या कहेंगे, हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन में दो तीन तरह के जीन्स होते हैं, नंबर वन जो कोड हो सकते हैं लेकिन सेल की डिमांड नहीं है, नंबर टू वेस्टिजियल जीन्स जो के एंसेस्टर्स की निशानी है, और वो जो जीन्स हैं वो अब कभी दोबारा कोड नहीं होंगे, और नंबर थ्री रिपीट्स, वो रिपीट्स जो टेंडम रिपीट्स अभी मैंने आपको बताए हैं। टेंडम का मतलब होता है छोटे छोटे डीएनए के सेगमेंट बहुत ज्यादा रिपीटेटिव सीक्वेंस में। अगर आप किसी भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बुक में जाकर देखते हैं तो आपको एक खास सीक्वेंस में ये वाले डीएनए बहुत छोटे छोटे, ये छह छह न्यूक्लियोटाइड का एक छोटा छोटा जीन होता है, ठीक है, ये फिर दोबारा शुरू होता है, फिर दोबारा शुरू होता है। तो इनके अंदर क्या होता है, ये जो टेंडम रिपीट्स होते हैं इनके अंदर जो एक खास फीचर होता है वो ये होता है कि ये इतने हाईली कॉन्डेंस होते हैं कि मैं कैम्बल का ही वर्ड यूज करूंगा कि ये इतनी हाईली कॉन्डेंस होते हैं कि यहां से जो आपके क्रोमोसोम की वेस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाती है। पंजाबी में इसको कहते हैं लक, वेस्ट का मतलब होता है लक, ये जो कमर होती है ये पतली पतली कमर बेसिकली, तो ये जो वेस्ट होती है यहां पर इस कदर ज्यादा कॉन्डेंस डीएनए होता है कि यहां का जो डीएनए होता है वो इतना ज्यादा एक दूसरे के ऊपर लिपट जाता है कि इसकी जो बाकी क्रोमोसोम की जो वेस्ट होती है उससे कहीं ज्यादा कम वेस्ट इस रीजन की रह जाती है ड्यू टू हाईली कॉन्डेंस्ड एरिया। तो याद रखिए हेट्रोक्रोमेटिन को आप ये भी कह सकते हैं कंडेंस्ड पोर्शन ऑफ डीएनए, आप ये भी कह सकते हैं ओपन टू ट्रांसलेशन, लेकिन इसके साथ साथ आपके जहनों में ये भी होना चाहिए कि कोई से दो सेल्स में हेट्रोक्रोमेटिन सेम होना हरगिज जरूरी नहीं है। स्किन सेल इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता, स्किन सेल ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं करता, स्किन सेल एड्रिनल ग्लैंड जो है उसके अंदर जो भी फंक्शन हो रहा होगा, जो एंजाइम चाहिए होंगे वो दूसरे सेल्स में नहीं चाहिए होंगे, लिहाजा हर सेल का हेट्रोक्रोमेटिन डिफरेंट होता है। सिर्फ ये होता है कि जहां पर जिसको एक्सेस करना जरूरी है वो यूक्रोमेटिन है, बाकी सबको हेट्रोक्रोमेटिन रखा जाता है बाय द हेल्प ऑफ, आपको अच्छे तरीके से पता है, हिस्टोन प्रोटीन्स, और वो हिस्टोन प्रोटीन्स जो आपस में बाइंड हो जाती हैं। तो ये सारा सीक्वेंस, और ये जो टेंडम रिपीट्स हैं इनको सेटेलाइट डीएनए कहा जाता है बिकॉज दीज आर यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट। ये जो असल में सेंट्रोमियर के डीएनए को ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है, लिहाजा आप इसको सेटेलाइट डीएनए कहते हैं। तो ये बात याद रखिए कि डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम का जो ये रीजन है जहां पर जो है वो इसकी वेस्ट बहुत ही नैरो है, उसको आप जो है वो सेटेलाइट डीएनए कहते हैं। और एक बात और आपको बताऊं मैं कि इसी को एक और नाम दिया जाता है जिसके बारे में शायद आप लोग कंफ्यूज होंगे, इसको एक नाम दिया जाता है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन याद रखिए, कंस्ट्रिक्शन क्या होता है, कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है सुकड़ना। क्रोमोसोम की दो कंस्ट्रिक्शन हो सकती है, एक होती है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और एक होती है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन वो है जो हर क्रोमोसोम में होना लाजमी है, लाजमन ये वाली कंस्ट्रिक्शन मौजूद होगी, और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन हमेशा उस रीजन में मौजूद होती है जहां पर फ्यूचर में क्या बनना होता है, सेंट्रोमियर बनना होता है। अब जरा एक बात को गौर से सुनिए, ये बात आप लोगों की एफएससी की बुक में भी है और आगे आने वाली हर बुक में भी है, और आप लोगों से मैं एक दफा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मुझसे एक दफा डेमो में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सेंट्रोमियर पे कौन सी कंस्ट्रिक्शन होती है, एंड आई डिड नॉट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रिक्शन एट दैट टाइम। तो इसको जरा बहुत वाजे अल्फाज में सुन लीजिए, कंस्ट्रिक्शन होता है कि एक चीज स्ट्रेट मैनर में आ रही है, एक जगह आके वो सुकड़ गई है तो वो प्राइम वो कंस्ट्रिक्शन है, वो एरिया कंस्ट्रिक्शन है, लेकिन इसको आप प्राइमरी क्यों कह रहे हैं। याद रखिए एक खास तरह की कंस्ट्रिक्शन हर क्रोमोसोम में होगी,
ये जो कंस्ट्रिक्शन है ये किस काम के लिए यूज होती है? ये जो सुकड़ना है क्रोमोसोम का, ये एक रीजन है रिकॉग्नाइज फॉर रिकॉग्निशन, ये जो आपका रीजन है ना प्राइमरी कंस्ट्रक्शन का, इट इज यूज फॉर रिकॉग्निशन बाय कोहेसिन प्रोटीन। अब ये कोहेसिन प्रोटीन क्या है, जरा आप सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताने लगा हूं बेटा। ये जो सैटेलाइट डीएनए है, सैटेलाइट डीएनए या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन का रीजन है, इसको एक प्रोटीन बाइंड कर लेती है, इस प्रोटीन को आप कहते हैं कोहेसिन प्रोटीन। यानी असल में ये जो पॉइंट है, दिस इज नॉट सेंट्रोमियर बेटा, ये जो पॉइंट है इसको आप सेंट्रोमियर का नाम नहीं देते, इसको आप कहते हैं सैटेलाइट डीएनए या टैंडम रिपीट्स, ठीक है, या टैंडम रिपीट्स। लेकिन जब इसके ऊपर आके कोहेसिन जुड़ जाती है और कोहेसिन इन दोनों को एक कर देती है, तब आप क्या कहते हैं, दिस इज अ सेंट्रोमियर। कोहेसिन के जुड़ने के बाद, उससे पहले आप इसको सेंट्रोमियर नहीं कहते। सेंट्रोमियर असल में क्या बात मेंशन कर रहा है, सेंट्रोमियर ये बात आपको रिकॉग्नाइज करवा रहा है कि ये वो पॉइंट है जहां से दोनों क्रोमोसोम एक हो जाते हैं। मैंने आपको बताया दो पॉइंट्स है सैटेलाइट डीएनए के, और अगर दो पॉइंट्स हैं तो इसका मतलब ये है कि जब ये दोनों अलहदा होंगे तो इन दोनों के वो दोनों पॉइंट्स जो हैं वो एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब डुप्लीकेट हो जाता है क्रोमोसोम तो इसके अंदर दो सेंट्रोमियर बन जाते हैं। बेसिकली ये जो सेंट्रल पॉइंट है जहां से ये कंस्ट्रिक्ट हुआ है, यानी दो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बनती हैं, और जब काइनेटिक और माइक्रोट्यूब्यूल आके इससे जुड़ते हैं और ये अलहदा होते हैं, तो आपने शायद कभी सोचा हो कि जब ये अलहदा हो जाते हैं तो सेंट्रोमियर किसके पास जाता है? क्या सेंट्रोमियर आधा इसको मिलता है और आधा इसको मिलता है? नहीं, दोनों के सैटेलाइट डीएनए अपने अपने होते हैं, और जब काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं तो ये असल में सिर्फ एक जगह आके टूटते हैं और उसके बाद एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। यानी दोनों के पास अपने सैटेलाइट डीएनए पूरे पूरे आते हैं। दिस इज द पॉइंट टू नोट, ठीक है, पॉइंट टू पॉन्डर आप यूज करते हैं। और असल में इस पॉइंट को, जब तक आप इसके ऊपर कोहेसिन नहीं जोड़ते, आप इसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ये होता है कि सम टाइम कुछ ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जिनके अंदर किसी और जगह से भी कंस्ट्रक्शन आ जाती है, जैसे इधर से आ जाएगी ऐसे, इसको मैं अलग रंग से इसलिए बना रहा हूं। अब ये देखिए, ये जो कंस्ट्रक्शन है इसको आप सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहेंगे, और ये किस वजह से भी होगी कि शायद यहां पर भी कुछ ऐसा डीएनए मौजूद है जो टैंडम रिपीट्स हैं, सैटेलाइट डीएनए यहां भी मौजूद हैं, और ये हाईली कंडेंस्ड रीजन है जिसकी वजह से एक कंस्ट्रक्शन ये आ गई, एक कंस्ट्रक्शन ये आ गई। जहां काइनेटोकोर जुड़ेगा वो पॉइंट कहलाएगी, वो पॉइंट कहलाएगा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, और ये जो पॉइंट है यहां आके कोई नहीं जुड़ता स्पिंडल फाइबर, लिहाजा इस पॉइंट को आप कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, एंड इट इज नॉट नेसेसरली प्रेजेंट इन एवरी क्रोमोसोम। जी बेटा, यहां मैं रुक के क्वेश्चन लूंगा क्योंकि मैं काफी बातें कर गया हूं, लिहाजा अगर आपके क्वेश्चन है तो बोलिए। मैं अब आपको बताता हूं ना, बेसिकली जब तक जो भी रीजन डीएनए का कंडेंस होगा, नेसेसरली आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे क्या नाम दे देते हैं, हेटरोक्रोमेटिन दे देते हैं नाम, ठीक है। अब हर वो जीन कंडेंस फॉर्म में होगा जिसकी किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में जरूरत नहीं है, हर वो जीन हेटरोक्रोमेटिन में शुमार होगा, ठीक है। अब आप देखिए कि आपके किसी भी सेल में, किसी भी ऑर्गन में, सेल की बात छोड़ दें, किसी भी ऑर्गन के सेल्स में सेम जीन्स ओपन नहीं होते। हाँ, कुछ कॉमन हो सकते हैं, जैसे आपके हो सकता है कि लिवर और किडनी के या लिवर और स्टमक के कुछ जीन्स ऐसे हों जो कॉमन हो, कॉमन जीन्स ओपन हो, हाँ वो तो ठीक है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे अगर आपने जो है वो स्मूथ मसल बनाने इंटेस्टाइन में और स्मूथ मसल बनाने हैं आपने लिवर में,
सॉरी उसमें स्टमक में, तो दोनों में स्मूथ मसल बनाने के जो सेल्स होंगे उनके अंदर जो प्रोटीन डेपोजिशन के जीन्स होंगे वो शायद जो है वो सेम हो, लेकिन फंक्शन के एतबार से इन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंट हो सकता है। जैसे कुछ जीन्स जो हैं वो आपने एक में ऑन करने हैं, कुछ में ऑफ करने हैं। मसल सेल में हो सकता है सारे के सारे सेम हो, लेकिन फंक्शन के एतबार से जब बात आ जाती है तो ऐसी सूरत में जो हेट्रोक्रोमैटिन है वो दो सेल्स में या दो ऑर्गन्स में डिफरेंट हो सकता है। जैसे मैं आपको बात बताता हूँ, आपका जो टेस्टिकुलर सेल्स है या ओवेरियन सेल्स है, ठीक है, इनके अंदर बड़े पर्टिकुलर किस्म के जीन्स चाहिए हैं आपको वर्किंग के लिए। इनकी एक खास तरह की वर्किंग से ज्यादा वर्किंग नहीं है। टेस्टिस का नाम है, काम है स्पर्म बनाना, वो उससे रिलेटेड एंजाइम के जीन्स ऑन करेंगे जिन जिन्होंने आगे स्पर्म बनाना है। इधर काम है एग बनाना ओवरीज में, तो एग के मुताबिक, या फिर एस्ट्रोजन बनाने के जो जीन्स हैं वो ऑन होंगे। उसके अलावा तो कोई काम नहीं है किसी सूरत भी। टेस्टोस्टेरोन आगे जाके जो मर्जी काम कर ले, एस्ट्रोजन आगे जाके जो मर्जी काम कर ले, उससे टेस्टिकल्स के सेल को या ओवरी के सेल को गर्ज नहीं है। उनका काम है कि भाई बना के दे दो, जेट दैट्स ऑल, और वो उतनी ही मशीनरी ओपन करेंगे जो उनका मकसद पूरा कर रही है, बाकी हेट्रोक्रोमेटिन में शुमार होगा। तो ऐसी सूरत में दो सेल्स या दोनों ऑर्गन। जी जी बोलिए। हाँ ये चीज हाँ, ये अब आपने असल पर्टिकुलरली सवाल आपने ये किया है। हेट्रोक्रोमेटिन का बहुत सा रीजन ऐसा भी है जो सब सेल्स में कॉमन है, लेकिन पूरा हेट्रोक्रोमेटिन कॉमन नहीं है। मैंने आपको दो तरह की चीजें बताई, एक टेंडम रिपीट, वो तमाम सेल्स में कॉमन है। अगर मेरे क्रोमोसोम नंबर 1 का टेंडम रिपीट टिप पर आ रहा है, ठीक है, तो वो सारे सेल में सेम होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर मेरे क्रोमोसोम में एंसेस्ट्रल जीन्स मौजूद है तो वो सारे के सारे सेल्स में एंसेस्ट्रल जीन्स मौजूद हैं। तो जितना ताल्लुक है टेंडम रिपीट्स का या जो ताल्लुक है एंसेस्ट्रल जीन्स का, वो हेट्रोक्रोमेटिन सारे सेल्स में कॉमन रहेगा। जो फंक्शनल एरिया है उसकी बात हो रही है, फंक्शनल रीजन जो है उसकी बात हो रही है, फंक्शनल रीजन के हिसाब से हेट्रोक्रोमेटिन डिफर कर सकता है। हाँ यहाँ पर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हाँ ओहो, आप फिर इसको कर गई। मैं ये नहीं कह रहा, अगर फर्ज करें कि क्रोमोसोम नंबर 4 आई शेप है, ठीक है, तो जितने सेल्स हैं हमारे अंदर उन सब में क्रोमोसोम नंबर 4 आई शेप होगा, कॉमन हो गया ना टेंडम रिपीट। क्रोमोसोम नंबर 10 जो है वो जे शेप्ड है एक सेल में, तो जितनी हमारी बॉडी के सेल्स हैं उन तमाम के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम नंबर 10 जे शेप्ड होगा। यानी टेंडम रिपीट जिस नंबर पे आ रहा है, जिस नंबर के क्रोमोसोम पे जिस जगह आ रहा है, वो ट्रिलियन सेल्स में वो उसी जगह पर टेंडम रिपीट आएगा। ठीक है, वो जे शेप में होगा तो वो जे शेप में दूसरे सेल में उसी जगह पर आएगा, वो आई शेप में होगा तो वो उसी में आएगा, वो वी शेप होगा तो वो उसी क्रोमोसोम पे उसी पोजीशन पे हर सेल में रिपीट होगा। तो ये जो आई शेप, जे शेप, वी शेप, ये जितनी शेप्स हैं ये सारी की सारी टेंडम रिपीट यानी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन की वजह से हैं जो फ्यूचर में सेंट्रोमियर बन जाती है। जी बिल्कुल, उसमें सैटेलाइट डीएनए ही है। क्रोमोसोम को बेसिकली इसके ऊपर आके काइनेटोको रीजन बनता है ना, इसके ऊपर आके काइनेटोको रीजन बनता है जिसके ऊपर आके काइनेटोको स्पिंडल फाइबर ज्वाइन होते हैं, तो वो असल में वो काइनेटोको रीजन इसके ऊपर होगा। नहीं वो नहीं बन सकती, वो सब में लाजमी नहीं होती, वो नहीं बन सकती उनमें। जी लें जी, यहां जी और किसी का क्वेश्चन, सॉरी मैं और किसी का क्वेश्चन, जल्दी से बोलिए बेटा।
इंट्रोडक्शन मेरा नहीं है। एक चीज है, अक्सर थोड़ी सी माजरा, असल में 7:28 हो गए, टाइम बहुत कम है, मैं फॉरन लेक्चर अपलोड कर देता हूँ, आप वो इंट्रोडक्शन सुन लीजिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन अब रिपीट करना वो टाइम बिल्कुल नहीं है, ठीक है, और रिकॉर्डिंग में भी रिपीटिशन आ जाएगी, ठीक है जी। तो जी बेटा, और कोई सवाल किसी का? जी चलते हैं आगे। अब यहां पर देखिएगा कि अभी मैंने एक बात की कि जो कोहेस्टिन प्रोटीन है उसने प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के रीजन को बाइंड किया हुआ होता है और तब जाके ये असल में सेंट्रोमियर बनता है। अब आइए एक और जो है वो आपको बड़ी जबरदस्त बात बताता हूं, वो ये है कि जो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन का रीजन होता है उसकी कोहेस्टिन डिफरेंट होती है और जो सेकेंड जो बाकी क्रोमोसोम होता है उसकी कोहेस्टिन डिफरेंट होती है। इसको यूं कह लीजिए कि असल में इस पूरे क्रोमोसोम के दरमियान में, हर आर्म के दरमियान में मौजूद है क्या चीज, हर आर्म के दरमियान में कोहेस्टिन प्रोटीन मौजूद है। वैसे ये सेम नहीं, आप इसको ना अभी फिलहाल ये ना करें, ये सेम नेचर की प्रोटीन है, कोहेस्टिन जहां पर भी है वो सेम रीजन सेम नेचर की है, यहां भी कोहेस्टिन है और इनके दरमियान में भी कोहेस्टिन है और इन इस पूरे के पूरे क्रोमोसोम के दरमियान में कोहेस्टिन प्रोटीन है जो दोनों क्रोमेटिड्स को आपस में जोड़े हुए है, दोनों क्रोमेटिड्स को आपस में जोड़े हुए है और जो कोहेस्टिन प्रोटीन है उसके ऊपर स्पेशल किस्म की प्रोटीन आकर जुड़ती हैं। यानी एक तरफ तो कोहेस्टिन है, कोहेस्टिन ने पूरे क्रोमोसोम को जोड़ा हुआ है, वो सिर्फ सेंट्रोमियर पर नहीं है, वो सिर्फ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन पर नहीं है बल्कि वो पूरे क्रोमोसोम पर है और वो दरमियान में बकायदा जो कोहेस्टिन प्रोटीन होती है, ये एक्चुअली इसका जो मेन फोकस होता है वो ये होता है कि दोनों क्रोमेटिड्स को जॉइन कर ले, वो चाहे इर्द गिर्द लिपट कर करे या दरमियान में आकर करे, दरमियान में आकर दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब इसके ऊपर स्पेशल प्रोटीन होती हैं जिनका क्या बनता है, जिनसे बनता है काइनेटोकोर। सो एक्चुअली जो सेंट्रोमियर है वो इट इज नॉट मेड दैट मच इजीली, ये जो काइनेटोकोर होता है इस रीजन का बनना स्पेशल प्रोटीन की हेल्प से होता है, ये वो प्रोटीन्स हैं जो कोहेस्टिन से अलग हैं, यानी कोहेस्टिन प्रोटीन जो है उनका जो मकसद है वो अलग है, काइनेटोकोर का अलग है। एक और अब यहां पर हम बात करते हैं कि जब एक दफा आपको याद होगा कौन से फेज में सेपरेशन शुरू होती है, हाँ जी ये देखिएगा, एनाफेज में सेपरेशन शुरू होती है, एनाफेज जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम स्टार्ट सेपरेटिंग, जब एक दफा क्रोमोसोम सेपरेट होना स्टार्ट होते हैं तो असल में उस टाइम पर क्या क्या कुछ होता है, ये देखिएगा, नंबर वन काइनेटोकोर कॉम्प्लेक्स जो है, काइनेटोकोर कॉम्प्लेक्स वो जो है वो तो बिकम स्ट्रॉन्गर, काइनेटोकोर कॉम्प्लेक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब काइनेटोकोर कॉम्प्लेक्स जब एक दफा स्ट्रॉन्ग हो गया तो उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या होता है, अ प्रोटीन, या आप यू कह लीजिए एन एंजाइम और अ प्रोटीन फैक्टर नोन एज सेपरेज, SEPARASE, सेपरेज सेपरेट्स द क्रोमेटिड, जो सेपरेज होती है वो क्रोमेटिड्स को अलहदा करती है, कैसे, बीच में से तोड़ देती है उसको, कोहेसिन को, जो सेपरेज है वो आकर किसको तोड़ देगी, वो आकर तोड़ देगी कोहेसिन को, और कोहेसिन के टूटने से जो दोनों क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे से अलहदा होना शुरू हो जाएंगे, काइनेटोकोर जो स्ट्रक्चर बना है वो उसका जुड़ा रहना जाहिर है जरूरी है, क्योंकि काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जब आकर जुड़ेंगे तो उन्होंने वापस भी तो खींचना है ना, तो जब ये वापस खींचेंगे तो काइनेटोकोर बना रहेगा सिर्फ उतना जितना खींचने के लिए जरूरी है, बाकी टूट जाएगा या बाकी कम अज कम जो है वो अलहदा हो जाएगा, सिर्फ उतना जरूर बना रहेगा जितना क्रोमोसोम को पुल बैक करने के लिए जरूरी है, और कोहेसिन को दरमियान में से डिसॉल्व कर दिया जाएगा, जैसे ही ये डिसॉल्व होगा जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे और एक अलग क्रोमोसोम के तौर पर एग्जिस्ट करेंगे। यहां पर ये बात जहन में रखिएगा, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं यहां पर पहले आपको ये फॉर एग्जाम्पल काइनेटोकोर रीजन इसका है, ये काइनेटोकोर रीजन इसका है, इधर से जो स्पिंडल फाइबर आएगा वो इसको अटैच करके वापस ले जाएगा। यहां पर
अब एक और पॉइंट आपको बहुत ही जबरदस्त मैं बताने लगा हूं कि एनाफेज इज अनदर चेक पॉइंट। आपको याद होगा मैंने सैटरडे की क्लास में आपको बताया था कि हमारे सेल के अंदर चेक पॉइंट्स हैं। ये वो चेक पॉइंट्स हैं जो इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि एक सेल कैंसर सेल में ना कन्वर्ट हो। ये जो एनाफेज है ये एक चेक पॉइंट है। ये किस बात का चेक पॉइंट है जरा देखिएगा क्या कमाल हमारा सेल करता है। यहां ये इस बात का चेक पॉइंट है कि ऑल क्रोमोसोम्स हैव अटैच्ड टू ऑल क्रोमोसोम हैव अटैच्ड टू काइनेटोकोर और नॉट। इस बात का अंदाजा लगाया जाता है कि काइनेटोकोर से सारे अटैच हो गए हैं, सारे मेटाफेज प्लेट पे अरेंज हो गए हैं। आपको अच्छी तरह पता है एनाफेज से पिछला जो आता है वो मेटाफेज है। मेटाफेज पे सारे क्रोमोसोम का मेटाफेज प्लेट पे अरेंज होना जरूरी है। तो एनाफेज शुरू होने से पहले पहले इस बात का अंदाजा लगा लिया जाता है कि आया ये जो है वो सारे के सारे अरेंज हुए, सब अरेंज हुए तो उनमें म्यूटेशन तो नहीं, और उसके बाद क्या सब के साथ काइनेटिक और स्पिंडल फाइबर जुड़ गए। जब जुड़ गए तो उसके बाद इनको पुल बैक करना शुरू किया जाता है। तो ये एक और पॉइंट है, यानी क्रोम किसी भी सेल को कैंसर सेल बनाने से पहले कई दफा चेक किया जाता है, और उसमें एक ये पॉइंट जो है वो बड़ा जरूरी है। फिर एक सेल कैंसर सेल कैसे बन जाता है मेरे ख्याल उसकी बारी जो है वो कल आएगी। ठीक है, सो काइनेटोकोर जो स्पिंडल फाइबर है उनके बारे में हमें एक और बात पता लग गई। अब काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कहां से शुरू होते हैं ये भी जरा देखते हैं। काइनेटोकोर ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपका एक पोल है, और इस पोल को आपने कहा है एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल यहां से निकल रहे हैं, और ये एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं। यहां से आगे शुरू होता है काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं खास तौर पे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये हेलिकल फॉर्म में होते हैं। मैंने आप लोगों को एक दफा पहले भी कहा था कि मेरा साइटोस्केलेटन वाला लेक्चर जरूर सुनिएगा। ठीक है, साइटोस्केलेटन वाला लेक्चर आपने जरूर सुनना है ताकि आप लोगों को जो है वो ये पता लगे कि ये जो इनमें पोलीमराइजेशन कैसे होती है। ये जो प्रोसेस है इसमें असल में क्या हो रहा है, पोलीमराइजेशन हो रही है, पोलीमराइजेशन हो रही है। और पोलीमराइजेशन जो है ये कैसे हो रही है कि इस एंड पर अल्फा प्लस बीटा ट्यूबुलिन यूनिट्स जो है ना, अल्फा प्लस बीटा ट्यूबुलिन यूनिट्स वो जुड़ रहे हैं। अब आप इस एंड पर अल्फा प्लस बीटा ट्यूबुलिन यूनिट्स जोड़ते जाएंगे तो यहां से जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर है वो आगे को मूव करता जाएगा। यानी आप यूं कह लीजिए कि ये वो पॉइंट है जिसने जाकर ज्वाइन होना है किसके साथ, क्रोमोसोम के साथ। पॉलीमराइजेशन कहां हो रही है, इस जगह पर अल्फा यूनिट आता है बीटा यूनिट आता है वो आकर इस जगह अटैच हो जाते हैं और ये लेंथी होता चला जाता है अंटिल अनलेस यहां पर आके काइनेटोकोर पॉइंट आता है और वो इससे आकर जुड़ जाता है। ठीक है, तो मैं ये थोड़ा सा रफली इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, यहां पर आकर जुड़ जाता है। जब एक दफा ये जुड़ जाता है तो उसके बाद एक दफा अटैच हो गया, आफ्टर अटैचमेंट, अटैचमेंट के बाद क्या होगा, अटैचमेंट के बाद अगला प्रोसेस होगा डीपोलीमराइजेशन। और ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि एनाफेज में होगा डीपोलीमराइजेशन। और ये डीपोलीमराइजेशन कैसे होती है, उसी पॉइंट पे जहां पोलीमराइजेशन हुई वहीं पर डीपोलीमराइजेशन होगी। और वो क्या होगा कि अल्फा और बीटा सब यूनिट आहिस्ता आहिस्ता डिटैच होते जाएंगे। जैसे जैसे अल्फा और बीटा सब यूनिट यहां से निकलते जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा से मुराद मेरी क्या है बेटा, अल्फा प्लस बीटा से मेरी मुराद ये है अल्फा ट्यूबुलिन बीटा ट्यूबुलिन। जैसे ही अल्फा प्लस बीटा ट्यूबुलिन यहां से डिटैच होना शुरू होंगे इसकी मूवमेंट वापसी की तरफ शुरू हो जाएगी। और वापसी की तरफ जो ये मूवमेंट शुरू होगी इसमें एक और चीज का भी रोल है। आप में से कोई है जिसने अभी तक मेरा साइटोस्केलेटन वाला लेक्चर नहीं लिया? खुदा आपने भी नहीं लिया, बहनी आपने भी नहीं लिया, नवाज, अक्सा, बहुत ही होनहार बच्चे हैं मेरे। अच्छा जी, अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहां पर आइडिया दे देता हूं। ये आपके पास जो है वो एक है आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, अब इस माइक्रोट्यूब्यूल, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है ना ये असल में
एक अदद प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ होता है नीचे, जिसको आप कहते हैं मोटर प्रोटीन। ये मोटर प्रोटीन है, कहां से कहां तक ये अभी बताता हूं। पूरी प्रोटीन मोटर प्रोटीन है जो मैं बनाने लगा। इसके नीचे एक और स्पिंडल फाइबर होता है, स्पिंडल फाइबर नहीं होता, ये माइक्रोट्यूब्यूल होता है, साइटोस्केलेटन का पार्ट होता है, ये साइटोस्केलेटन का पार्ट है। ये जो मोटर प्रोटीन होती है ना, मैंने ये चीज क्या बनाई है, ये चीज बेटा मैंने ये बनाई है। मोटर प्रोटीन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर को जोड़ती है नीचे एक और माइक्रोट्यूब्यूल के साथ, और जब ये एक और माइक्रोट्यूब्यूल के साथ इसको जोड़ती है, तो आप जरा देखिएगा गौर करें, इसके दो पैर होते हैं। ये एक पैर आगे रखती है, इस पैर को यहां जमा के फिर अगला पैर उसके बाद आगे रखती है, फिर ये वाला पैर आता है, फिर ये वाला पैर आता है। यानी यूं कह लीजिए कि जस्ट लाइक दिस, मैंने एक चीज यहां से जोड़ी, ये मेरी मोटर प्रोटीन है, अपने बाजू पे मैंने ऐसे करके मोटर प्रोटीन को अटैच किया, ये अब मेरे पास जो है ये मेरी वॉकिंग एरिया है, ये वॉकिंग एरिया, ये वाली जो मोटर प्रोटीन होगी ये वॉकिंग एरिया पे आकर अटैच होगी, और एक कदम ऐसे, एक कदम ऐसे, एक कदम ऐसे, इस तरह से ये कदम आगे बढ़ाती चली जाएगी, और जिस भी तरफ ये कदम बढ़ाएगी उस तरफ है वो इसकी मूवमेंट चलती चली जाएगी। अब आप यहां पर देख लीजिए, ये असल में वो वाला स्पिंडल फाइबर है जिसको आप कह चुके हैं काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। ये वो माइक्रोट्यूब्यूल है जो सेल का अपना माइक्रोट्यूब्यूल है, साइटोस्केलेटन का, ये साइटोस्केलेटन का माइक्रोट्यूब्यूल है। एक और बात ध्यान में रखिए, साइटोस्केलेटन का माइक्रोट्यूब्यूल अपनी जगह से नहीं हिलेगा, वो वहीं का वहीं रहेगा सेल डिवीजन के दौरान। जो माइक्रोट्यूब्यूल काइनेटोकोर के बने हैं वो फ्रेश बनाए गए हैं, वो इस जगह से बनाए गए हैं जिसको आपने एस्टर कहा, वो यहां से बनाए गए हैं। तो जब यहां से बनाए गए काइनेटोकोर जो है वो जब जाके इसके साथ अटैच हो जाएंगे, तो अब इसके नीचे आकर लगेगी मोटर प्रोटीन। मोटर प्रोटीन इस माइक्रोट्यूब्यूल पे वॉक करती हुई इसको किस तरफ लेकर जाएगी, पोल की तरफ, और ये आखिरकार पोल तक पहुंच जाएंगे। टीलोफेज में ये पहुंचते हैं पोल पे। और अब आपको एक और बात बताता हूं कि टीलोफेज भी चेक पॉइंट है, टीलोफेज इज अनदर चेक पॉइंट। ये जो चेक पॉइंट है यहां पर भी अंदाजा लगाया जाता है। अब ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन सा चेक पॉइंट है, ये वो चेक पॉइंट है जिस पे ये देखा जाता है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो पोल्स पर पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे। जब तक पोल्स पर नहीं पहुंचेंगे तब तक साइटोकाइनेसिस जो है वो कंप्लीट नहीं की जाएगी, या कम अज कम स्टार्ट नहीं की जाएगी, ठीक है। तो ये जो टीलोफेज है जिसमें क्रोमोसोम पोल पर पहुंचते हैं, ये एक और चेक पॉइंट है। मैंने चेक पॉइंट्स आपको बहुत डिटेल में पढ़ाने हैं, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू फ्रॉम विच बुक्स। ये पहली चीज ऐसी है, एक थोड़ा सा आपके जो है वो इल्म में इजाफा करता हूं, कि ये जो चेक पॉइंट्स है ना, ये पहली ऐसी चीज है जिसके बारे में मुझे कैंबल देख के मायूसी हुई है। और यहां से एक बात पता लगती है कि इल्म आपको एक जगह से नहीं मिलता। मैंने तीन ऑथर्स की बायोलॉजी की बुक्स रखी हुई है, चलो ये मैं बात पोस्टपोन कर देता हूँ वरना वो पॉइंट मिस हो जाएगा। देखिएगा यहां पर आकर अब पॉइंट जो आप लोगों ने ये देखनी है बात, वो ये है कि जब एक दफा जो है वो स्पिंडल के साथ, वो स्पिंडल के साथ अटैच हो गए और पोल्स पर पहुंच गए, अब यहां पर जो चेक पॉइंट है उसका अंदाजा लगाया जाएगा, और उसके बाद फिर सेल को आगे प्रोसीड होने दिया जाएगा। ये हमारी जो है वो आखिरी बात हुई थी। अच्छा, उसके बाद अभी एक बात और रहती है, और वो है कि व्हाट अबाउट नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स। नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो कहां गए, उनका जिक्र क्यों किया अगर उनका काम नहीं आना था। बेटा उनका काम आना है, और उनका काम कहां पर है देखिएगा। कुछ तो अब आपको ये बात भी पता है कि कुछ तो जाकर जो है वो अटैच हो जाएंगे काइनेटोकोर के साथ। याद रखिए काइनेटोकोर पॉइंट्स मल्टीपल नहीं होते, एक काइनेटोकोर लेफ्ट पे, एक काइनेटोकोर राइट पे, बस। स्पिंडल फाइबर जितने मर्जी जुड़ जाएं आके वो मसला नहीं है, लेकिन काइनेटोकोर पॉइंट एक एक है जिसके साथ आके वो जितने जुड़ सकेंगे वो जुड़ जाएंगे। अब जरा देखिएगा नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर क्या करेंगे। अब एक आप लोगों को मैं एक जो है वो इमेजिनरी पिक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये देखिए, ये आपके पास जो है वो एक सेल है जो कि साइज में बड़ा हो गया है आफ्टर स्टार्टिंग सेल डिवीजन, और ये आपके पास जो है वो एस्टर्स हैं, ठीक है। ये आपके पास जो है वो एस्ट्रल पॉइंट है, यहां से जो है वो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, ये इससे ये जुड़ा हुआ, ठीक है।
और दो और बना लेते हैं, एक ये और एक ये, ठीक है, इनके साथ ये ड्रॉ कर लेते हैं। अब जो निकलेंगे और काइनेटोकोर से जाके अटैच नहीं हो सकेंगे उनका क्या होगा बेटा? वो जितने स्पिंडल फाइबर्स होंगे वो सारे के सारे आपस में इंटर डिजिटेट हो जाएंगे, यानी एक दूसरे के साथ आकर मिल जाएंगे। ये जो इनको आप कहेंगे नॉन काइनेटोकोर, नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा तादाद में है, ये ऊपर नीचे हर जगह पर एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। एंड नाउ दीज विल स्टार्ट पुलिंग द सेल्स अवे, पुलिंग द सेल अवे फ्रॉम सेंटर। अवे फ्रॉम सेंटर ये मूव करना शुरू होगा, और जब ये अवे फ्रॉम सेंटर मूव करना शुरू होगा तो सेल जो है वो अपने साइज में बढ़ना शुरू हो जाएगा। दिस वुड बी द स्टार्ट ऑफ बिगिनिंग ऑफ साइटोकाइनेसिस। लेकिन साइटोकाइनेसिस तब तक कंप्लीट नहीं की जाएगी जब तक ये श्योर नहीं कर लिया जाता कि सारे अपने पोल्स पर पहुंचे हैं कि नहीं। लेकिन ये सिर्फ मैंने आपको एक इमेजिनरी डायग्राम दिखाई है कि ये जब अवे मूव करेंगे तो ये सेल को बड़ा करेंगे। सो व्हाट अबाउट साइटोकाइनेसिस? साइटोकाइनेसिस में कौन सी प्रोटीन होगी? बेटा ये एक और बड़ी जबरदस्त बात है कि साइटोकाइनेसिस के लिए एक प्रोटीन जो है उसका रिंग बनता है सेंटर में। सेंटर में एक प्रोटीन का रिंग बनता है, और ये प्रोटीन वही एग्जैक्टली प्रोटीन है जो हमारे मसल में कॉन्ट्रेक्शन के लिए यूज होती है, एक्टिन। एक्टिन रिंग बना, और ये जो एक्टिन रिंग बना है इसमें दरमियान में जो आपके पास ये एक और रिंग बनता है एक्टिन के जस्ट नीचे, जिसको आप कहते हैं मायोसिन। अब आपको याद आ गया होगा स्केलेटल मसल में एक्टिन किसके ऊपर मूव करता है? मायोसिन के ऊपर। तो ये देखिए कि एक्टिन जो है वो मायोसिन के ऊपर मूव करता है, किस तरफ? अंदर की तरफ। एक्टिन की मूवमेंट होती है एंड एक्टिन वुड स्टार्ट पिंचिंग, अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है, और जब ये अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है तो आपकी साइटोकाइनेसिस की इनिशिएशन हो जाती है। जस्ट हैव अ लुक हियर, ये जो आपके ये यहां पर डायग्राम है, ये वो सारे के सारे हैं, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये देखिए, ये वो मोटर प्रोटीन है, ये मोटर प्रोटीन है, ये आपका काइनेटो, ये सेंट्रोमियर है, ये क्रोमोसोम जुड़ा हुआ दिखाया हुआ है, इस तरफ को मूव करेगी, ये आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा। ये देखिए, ये है स्टार्ट किसका, आपके जो क्लेवेज आई है ये उसका स्टार्ट है, यहां से सेल ने अंदर को धंसना शुरू होना है। एंड इट इज एक्चुअली अ कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग मेड बाय एक्टिन प्रोटीन, और उसके बाद फिर ये जो है वो इसके अंदर की साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगी और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैं उनको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर अब एक चीज और भी है, चलें आप लोग क्वेश्चन करें उसके बाद फिर जो है वो बात करते हैं। जी बेटा, मुझे आवाज नहीं आ रही है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। अल्लाह खैर करे। अपना क्वेश्चन आप रिपीट कीजिए, मैं स्लाइड पे पहुंचता हूँ, अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिए। मैंने ये बताया था कि कोहेसिन जो है वो दो क्रोमोसोम के दरमियान एक ऐसी प्रोटीन है जो कि क्रोमोसोम्स को आपस में जोड़ रही है, ठीक है, यही था। उसके बाद मैंने कहा था कि काइनेटोकोर वो स्पेशल एक खास किस्म की प्रोटीन है जो असल में पहले नहीं बनी होती, बल्कि ये बाद में बनाई जाती है। कब? जब दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से कोहेसिन के जरिए जुड़ चुके होते हैं तो ये जो काइनेटोकोर होता है इसको इन कॉर्नर्स पर बनाया जाता है, ठीक है। मैंने पूरी बना दी थी रिंग, वो रिंग नहीं बनाया जाता। अब ये जो काइनेटोकोर बनाया जाता है ये सेपरेट नहीं किया जाता, बल्कि जो कोहेसिन है इसको डिजोल्व किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ सेपरेज। कोहेसिन को डिजोल्व किया जाता है और काइनेटोकोर जो है उसके साथ स्पिंडल फाइबर अटैच होके उसको
बैकवर्ड पुल करता है, ये बात मैंने बताई थी जी। अब इसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो मेरे ख्याल आप बता रही थी जी, अब बताइए। जी कैनेटो कोर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जी, बिल्कुल वो अलहदा होता। अनुदा आपकी आवाज वो गूंज के पीछे रह गई, आप कुछ बोली थी, जरा बताइए। ये बेसिकली एक पॉइंट का नाम है जिसको काइनेटोकोर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स कहते हैं, ये कोई एक प्रोटीन नहीं है, काइनेटोकोर पॉइंट का नाम है। मैं इसीलिए काइनेटोकोर प्रोटीन्स कहता रहा हूं, काइनेटोकोर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो कि डिफरेंट प्रोटीन से मिलकर बना है। यहां पर मैं आपको जो है वो सेंटेंस भी दिखा देता हूं। बेसिकली ये जो काइनेटोकोर है ये एक प्रोटीन का काम नहीं है, ये जरा देखिएगा इसमें जी। कंडेंस द डीएनए, अच्छा जी, उसके बाद मुझे वो पॉइंट मिलता है तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। असल में वो ये इतना बड़ा वो है, पर वो मैं पॉइंट इंशाल्लाह आपसे शेयर करता हूँ। ये सारी प्रोटीन्स जो हैं ये ड्यूरिंग G2 मोस्टली G2 फेजेस में जो है वो बनाई जाती हैं जी। बच्चे बच्चे लीव क्यों किए जा रहे हैं क्लास जी? यानी जी बेटा ये मैं कल बताऊंगा इसकी बड़ी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं आपको कल बताऊंगा इंशाल्लाह। बड़ी लंबी डिटेल है, बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल है, और इसकी जो काइनेटोकोर्स के साथ जो खास तौर पे प्रॉब्लम आता है ना वो उन डिजीजेस का, वो जो मियोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो एक अलग जो है वो किस्सा है कि एग में इतनी देर तक अटैच रहने से क्या होता है, वो एक अलग जो है वो लंबी सारी लंबी चौड़ी थ्योरी है। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये बात जहन में रखिए कि वो जो मियोटिक डिसऑर्डर्स आप पढ़ते हैं जिसमें डिलीशन हो जाती है, जिसमें एडिशन हो जाती है, जिसमें इन्वर्जन हो जाती है, डुप्लीकेशन हो जाती है, वो पॉइंट्स इवन माइटोसिस में पॉसिबल है। वो सिर्फ मियोसिस में पॉसिबल नहीं है बल्कि वो माइटोसिस में भी पॉसिबल है, और वो जो माइटोसिस में पॉसिबिलिटी है वो सारी यहाँ चेक की जाती है। लेकिन यहां पर गलती का इम्कान क्यों कम होता है? यहां पर गलती का इम्कान इसलिए कम होता है कि यहां क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, और दूसरा यहां गलती का इम्कान इसलिए भी कम होता है, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये बात पता है कि जो फीमेल होती है वो जब पैदा होती है तो अपने साथ सारे एग्स लेकर पैदा होती है। अब जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है तो याद रखिए जब फीमेल पैदा होती है तो उसके तमाम क्रोमोसोम जितने एग्स हैं उनके न्यूक्लियस प्रोफेज वन में जो है वो सीज हुए हुए होते हैं, प्रोफेज वन में हॉल्ट हुए हुए होते हैं। प्रोफेज वन में अगर वो 40 साल तक हॉल्ट रहते हैं या 35 साल तक हॉल्ट रहते हैं, सीज रहते हैं, वहां गलती आती है, आमतौर पे अर्ली एज में गलती नहीं होती। और ये देखें, अब जब फीमेल में प्रोफेज वन में क्या होता है, प्रोफेज वन में क्यास्मेटा बनता है और दोनों नॉन होमोलोग जो होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऐसे ज्वाइन हुए हुए होते हैं प्रोफेज वन में। अब जितनी देर वो ज्वाइन रहेंगे वहां गलती का चांस होगा, लेकिन माइटोसिस में तो होती ही नहीं क्रॉसिंग ओवर, जिसकी वजह से उसमें चेक भी लगाया जाता है और इसका चांस भी कम होता है। लेकिन अगर हो जाए तो उसकी वजह से बॉडी पे पैचिंग हो जाती है, वो मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था, मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा। नो, काइनेटोकोर काइनेटोकोर प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर ट्यूबुलिन प्रोटीन का एक फाइबर है जो काइनेटोकोर जो है वो प्रोटीन का बना हुआ है, वो जिस जगह आकर जुड़ रहा है वो डीएनए का हिस्सा है।
जो असल में हम जिस पॉइंट को प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहकर आए हैं वो डीएनए है, उसके ऊपर आकर काइनेटोकोर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनता है, वो जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनता है उसको आके स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। तो जो काइनेटोकोर है वो डीएनए नहीं है, काइनेटोकोर जिस पर जुड़ रहा है या जिस पर बन रहा है वो डीएनए। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, मैं इस क्वेश्चन को मजीद एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि एक जगह मुझे लग रहा है कि आप थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई हैं। ये जो पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बताया, सॉरी एक मिनट, ये जो मैंने अभी आपको क्रोमोसोम की शेप बनाकर दिखाई थी, ये वाली, ये देखिए, इसमें ये जो दो राउंड एरियाज मैंने बनाए हैं ये सैटेलाइट डीएनए के हैं। इसके दरमियान में जो प्रोटीन होगी जो इनको जोड़ेगी वो कोहेसिन है, और इसके ऊपर आके प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनेगा जो काइनेटोकोर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। यानी बेसिकली जिस चीज के ऊपर आके काइनेटोकोर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो डीएनए है, और जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो काइनेटोकोर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। तो बेसिकली जो बात याद रखने की है वो ये है कि काइनेटोकोर प्रोटीन है वो जिस पर बन रही है वो डीएनए, स्पेशल डीएनए है। सेंट्रोसोम, ये वो, इसका काम असल में माइक्रोट्यूब्यूल्स को अरेंज करवाना होता है सेल डिवीजन के लिए। वैसे माइक्रोट्यूब्यूल पूरे सेल में अरेंज है, साइटोस्केलेटन अरेंज है, सेल डिवीजन के लिए इसका काम होता है कि इसने अरेंज करवाना होता है। और ये भी प्रोटीन्स है, इंजाइम्स है, इनमें भी डीएनए नहीं है, लेकिन ये एक अजीब चीज है, मतलब ये डुप्लीकेट भी हो जाता है, रेप्लीकेट हो जाता है, डबल हो जाता है, अजीब और गरीब किस्म की चीज है सेंट्रोसोम। इसके बारे में भी जो है वो साइंटिस्ट परेशान है कि इसमें डीएनए तो है नहीं, तो ये डबल कैसे हो